वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट तो आज मैंने आपसे बताना था और आपसे शेयर करना था कि कौन कौन देख रहा है बिन ड्रामा मैं देख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ तो वैसे ही जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं ड्रामा देखना शुरू कर देती हूँ तो लेकिन यह है कि तेरे बिन ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है क्योंकि एक चैनल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर साइड पर आ जाएगा स्टार वैंस के नाम से तो वो चैनल इतनी कोई मज़े की इतनी कोई फ़नी एपिसोड्स बनाता है जो ड्रामा चल रहा होता है कि हंस हंस के ना आपके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं कह रही थी कि तेरे बिन ड्रामा जो है वो अगर पाकिस्तान में रियल ऐसा हो रहा हो ना कि मीज जैसी हो कोई लड़के इतने नखरे कर कर के अपने मियाँ को दिखाए तो आप क्या करेंगे यानी कि उसको सोफे पे सुलाया खुद सोए बेड पे तो जो है ना पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो कहेंगे चलो बेटा अपने घर अपनी अम्मी के घर जाओ मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा खैर ये मेरा थोड़ा सा रिव्यू था तेरे बिन ड्रामा के लिए बाकी बिलोवर रूटीन आपसे शेयर करते हैं रहें मेरे साथ नूरे हर को पता नहीं क्या होगा अच्छा जी आपने जाके ना इस चैनल पे तेरे बिन ड्रामे की जो ओ एस है ना वो ज़रूर सुनना है अगर आप ड्रामा देखते हैं और इंटरेस्टिंग है ड्रामे में तो फिर वाकई आपको बहुत मज़ा आने वाला है बस उसके पागल हो जाएंगे अच्छा खैर यहाँ पे ना मुझे शाम के टाइम लगी हुई थी भूख और आई थिंक घर में कुछ पका भी नहीं था तो आलू कि मैं पड़ा हुआ था तो फिर मैंने जो है अम्मा के पर्स से निकाले पैसे तो मैंने कहा चलो जी निकाल लो पैसे और जल्दी से मैंने मंगाई ब्रेड और जो है मैंने सैंडविच बनाए इसको ये मशीन भी अम्मी की इतनी गंदी पुरानी पड़ी हुई थी इसको फिर मैंने धोया मेरा दिल कर रहा था इसको नलके के नीचे रख दूँ लेकिन फिर मुझे ये था कि कहीं ये ख़राब ही ना हो जाए इसमें पानी डल जाएगा तो तो फिर जो है मैंने इसको अच्छी तरह से जो बर्तन धोने वाली साबुन की खुची होती है ना मतलब साबुन लगाया फिर इसको अच्छी तरह से डिप कर करके पानी में अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर मैंने सैंडविच बनाए अच्छा तो पिछले दिनों ना मैंने एक और ड्रामा देखा था जिसका नाम था फ्रॉड और वो वैसे काफ़ी अच्छा ड्रामा है उसमें ना एक किस्म का सबक है मतलब उस लड़की का ना यानी सबक अमर थी ना उसमें तो उसमें उसका रिश्ता नहीं हो रहा होता और फिर रिश्ता होता तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है फिर उसकी दोबारा कहीं दूसरी जगह शादी होती है तो फिर वो बड़ा उसका हंसी खुशी एंड हो जाता है वैसे ये है कि मैं टी पर ड्रामाज नहीं देखती मैं जब मेरा दिल करता है तो यूट्यूब पर ना ड्रामा देखती हूँ उससे ये होता है कि मैं फटाफट आगे आगे कर करके ड्रामा देखती हूँ उसमें ये होता है कि उसमें एड्स भी नहीं आती और मैं फ़ास्ट स्पीड पर चला के तो ड्रामा देख लेती हूँ जिससे मैं दो तीन दिन में ही सारी एपिसोड देख के तो काम मुखाती हूँ अच्छा जी जब आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोग कौन कौन सा ड्रामा देख रहे हैं या देख चुके हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है इंटरेस्टिंग लगता है और आप चाहते हैं कि मैं देखूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ ताकि मैं ड्रामा देखूँ और फिर थोड़ी सी मेरे मेरी लाइफ जो है वो चिल हो सके बिजी हो सके ड्रामे देख के क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं सकती तो इसलिए फिर फ्री टाइम में कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो करना है ना फ्री टाइम इतना माशाल्लाह से होता है मेरे पास तो फिर चलो ड्रामे ही देखे जाएं जी तो जनाब यहाँ पे मैंने सैंडविचेस को तैयार करने के लिए बंद करके रख दिया और ये आपको सैंडविच मशीन पे मेरा नाम लिखा हुआ नजर आ, आ रहा होगा जो कि मुझे बहुत ही वैसे बुरी आदत है अभी तक कि मैं जगह जगह पर तो नाम लिखने बैठ जाती हूँ पता नहीं क्यों क्या अजीब सी आदत है कभी हाथ पे तो कभी दीवारों पर तो कभी <laughs> मतलब ये पता नहीं क्यों है कि हर जगह अपना नाम लिखना है मैंने तो खैर काफ़ी हद तक ये आदत कम हो चुकी हुई है क्योंकि नहीं लिखना चाहिए क्यों लिखे बंदा अपना नाम जगह जगह वैसे मैं YouTube फैमिली आपस की बात है कि कंटेंट निकल ही आता है अगर बंदा कोशिश करे अगर बंदा ऐसे ही बैठा रहे वेला के नहाए मैं क्या करूँ मेरी लाइफ में कुछ है नहीं करने के लिए मैं क्या दिखाऊँ तो फिर नहीं कुछ बन पाता लेकिन अगर बंदा कोशिश करे तो दो दिन बाद एटलीस्ट सात आठ मिनट की वीडियो नहीं निकलेगी क्या आई थिंक ये मशीन ना मजीद नहीं चल पाएगी क्योंकि मुझे लग रहा है एक्सपायर हो गया सैंडविच बिल्कुल इसके साथ चिपक गया था जो कि मैंने कांटे से उतारा बड़ी मुश्किल से <laughs> लेकिन खैर अब ये देखें भाभी ने बनाई है बहुत प्यारी सी पज़ल से ना इसकी ट्रेन जो कि मैंने निकाल के बनाने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं बन पाई लेकिन कितनी इंटेलिजेंस की बात है एक तो ये भी मुझे लगता है मैथमेटिक्स का ही कोई चक्कर होता है मुझे इतना कोई बुरा इतना मैथ बुरा लगता था जिसकी कोई आदमी इतनी मुश्किल से मैं मैट्रिक में मुझे लगता है पास हुई हूँ जिसकी कोई आदमी कोई मुआजा ही था क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था और यही वजह कि मैं मैट्रिक के बाद मैंने कहा मैंने साइंस की तरफ नहीं जाना क्योंकि मैथ तो मुझे आता नहीं तो फिर जो है फेल होने से बेहतर बंदा इज़्ज़त से पास हो जाए तो इसलिए फिर मैं आर्ट्स वाली फील्ड में रही थी क्योंकि बस मैथ से मुझे बहुत नफरत है और एलर्जी है और मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैथ का और यहाँ पे शिवराज से पहले ही जो है ना ये पटाखे बजा रहा था जो है हसान क्योंकि दादा बुप लेके आए थे पटाखे और पटाखे इतने मज़े के हैं ये ना मतलब इसमें आग नहीं निकलती बस ये एक छोटी सी पुड़िया सी बनी होती है और उसको ऐसे कहीं भी दीवार पे मारो या ज़मीन पे मारो तो ऐसे ठाक की आवाज़ आती है तो ये बहुत मज़े के हैं मैं मैं भी चलाती हूँ क्योंकि बच्चे वाली चीज़ें बजाने में और चलाने में और खाने में बहुत अपना ही एक मज़ा होता है और अभी मैं नूरे हरम की बंटी भी खा के बैठी हूँ और वैसे अब इतना रुझान नहीं रहा पटाखे वगैरह चलाने का जब हम छोटे थे तो गली इतने पटाखे बजे थे कान पक जाते थे लेकिन अब इतना ट्रेंड नहीं रहा क्योंकि अब लोगों को मुझे लगता है ज़्यादा ही शोर आ गया है जिसकी वजह से लोग थोड़ा अब एहतियात करते हैं और बच्चों को भी नहीं कहते कि आप लोग पटाखे बजाओ क्योंकि इस तरह से लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और कितने मतलब के इस तरह से हाथ भी हो, हो सकते हैं तो ये जो ये वाले पटाखे ना ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है इसमें से आग कुछ भी नहीं निकलती बस ना ये एक जैसे पार्टी पेपर होता है ना मतलब वो एक कागज़ होता है कौन सा वाला जिससे गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं वो और उसमें छोटे छुड़ छोटे पत्थर होते हैं बस ये एक टेक्निक है इसको ऐसे ज़ोर से मारो तो उसकी आवाज़ निकल आती है फिर यहाँ पे जी आ गया मेरा बहुत अनहेल्दी नाश्ता जो कि अब क्या करूँ करना पड़ता है मैंने कभी ज़िंदगी वैसे मैं हैरान हूँ कि पूरा साल में एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं है कि जब मैंने पराठा खाया हो खैर रमज़ान आने वाला है शुक्र है कि रमज़ान में बंदा जो है वो पराठा खा लेता है बहाने से क्योंकि सहरी करनी होती है तो थोड़ी हैवी चाहिए होती है ना तो फिर ये है कि नाश्ते का सीन ख़त्म हो जाता तो है और शैरी में पराठा और पराठे के साथ या तो मैं चाय के साथ खाती हूँ सालन के साथ बहुत कम खाती हूँ तो इसलिए फिर बस रमज़ान में मैं पराठा खाती हूँ वाकई तो वैसे ही तो खैर <laughs> ये थी मेरी अच्छी सी प्यारी सी रूटीन छोटी सी प्यारी सी कहने को ये सात मिनट का व्लॉग है लेकिन मुझे एडिट करने में घंटा लगा और काश के इन बंटीज की तरह मेरी लाइफ भी कलरफुल हो जाए अल्लाह करे खैर दुआ करते रहना चाहिए कि ज़िंदगी में अल्लाह पाक रंग भर दें और ज़िंदगी मैं तो अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजार के नहीं मैंने जाना है इस दुनिया से ज़िंदगी जी के जाना है तो बस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक से मांगे कसीर मांगे क्योंकि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अल्लाह से जी भर के मांगो अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगना अल्लाह से मांगना है तो उसकी हैसियत के मुताबिक और दिल खोल के अप जो है अल्लाह से मांगे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूरत आ करेंगे और नहीं भी अता करेंगे तो उसमें भी हमारी बेहतरी होती है भलाई होती है और मसलहत होती है कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी ना वो चीज़ इसलिए अल्लाह पाक ने नहीं अता की और बस जी यहाँ पर मैं अपने आपसे इजाज़त चाहती हूँ आपने मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है कल शब बरात है तो प्लीज़ मेरा नाम ले कर मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा क्योंकि बहुत कम लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए दुआ करते हैं तो बस आप लोग ही जो है वो मेरी फैमिली है तो मेरा नाम लेके मेरा नाम निमरा है तो मेरा नाम लेके अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद और इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अल्लाह हाफिज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें बाय बाय